Hello students, this one is your lecture number 19, okay? And today is 19th of September, okay? In our last class, we have studied about tobacco mosaic virus, okay? TMV virus ke baare mein aap logo ne padha hai. What you have studied, they have cylindrical structure or rod-like structure. They have a length of 3000 angstrom and a width of 180 angstrom. ठीक है, they have weight, molecular weight near about 39.4 into 10 raised to the power 6 delta. ठीक है, and capsomers. बच्चे बार बार बता रही हूँ, capsomer बहुत ही important term है, आप अच्छे से याद करिए. क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया कि जो virus है, वायरस में मेन जो इंटरनल जेनेटिक कोर होगा, ठीक है, हेलिकली अरेंज्ड जेनेटिक कोर होगा, ठीक है, ये आपको रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज योर जेनेटिक मटेरियल. ये रेड कलर से जो दिख रहा है, दिस वन इज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम बात कर चुके हैं. इट मे बी डीएनए, कितनी भी आरएनए. अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो वायरसेस हो जाएंगे. ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, तो इट विल बी द वायरस विल बी राइबो वायरस. फिर हमने किया कि जो डीएनए है वो इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड, इट मे बी डबल स्ट्रैंडेड, है ना. ऐसे ही सिमिलरली हमने किया कि आरएनए मे बी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड. अब इस प्रोटीन कोर को मैं एक कार्टून स्ट्रक्चर बना रही हूँ. मान लो ये आपका जेनेटिक कोर है. इस जेनेटिक कोर के चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ मैंने टू डायमेंशनल बनाया, यहाँ आपको थ्री डायमेंशनल बनाया. अभी मैं आपको एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है ना. तो दोस्तों चारों तरफ क्या है, प्रोटीन की कवरिंग है. बट जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में, उन छोटे छोटे यूनिट्स को, उस पूरी लेयर को आप कैप्सिड बोलेंगे. ठीक है, मैंने करवाया भी है. ये जो कैप्सोमर है, 2130 कैप्सोमर, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये पूरी लेयर क्या कहलाएगी, ये ब्लैक कलर से जो लेयर आपको दिखाई हुई है, दिस वन इज कैप्सिड लेयर. ठीक है, कैप्सिड लेयर प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इस कैप्सिड लेयर में जो छोटे छोटे यूनिट्स है, ये एक यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट, ये फोर्थ यूनिट, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके. तो ऐसे 2130 यूनिट्स होती हैं, जिनको कैप्सोमर्स कहा जाता है. मैंने आपको आपके एग्जाम, आपका जो असाइनमेंट है, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन दिया है. ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना. जनरली पेपर में पूछ लिया जाता है, खास करके जब सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, बट सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर बच्चे हमने एक चीज और की है कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होते हैं, इनके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड इज टू कैप्सोमर का रेशियो अगर देखना है, दैट इज 3:1. यानी कि जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होगा, न्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा होंगे. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स तो अब आप समझते हो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हो. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज टू कैप्सोमर का जो रेशियो है, दैट इज 3:1. ठीक है, यहां तक हम कल कवर कर चुके थे. ये तो जस्ट एक थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए आपको दोबारा से मैंने करवा दिया. ठीक है, बात करते हैं जो नेक्स्ट वायरस आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज. ठीक है, T4 बैक्टीरियोफेज, T1, T2, T3, ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बेस पे है. तो T4 बैक्टीरियोफेज, अभी हम टाइप पढ़ेंगे, वहीं पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, आप लोगों को करवाऊंगी. बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? फेज का मतलब वायरस. ठीक है, फेज का मतलब क्या होगा? वायरस. और बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. आई बात समझ में? उनको क्या कहोगे? बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा. नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज आर पर्टिकुलर वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ठीक है, विच अटैक ओवर बैक्टीरिया, क्लियर. ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर की जहां तक बात है,
तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. दे हैव पॉलीहेड्रल हेड, ठीक है, इनके अंदर ऐसे पॉलीहेड्रल हेड रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इनके अंदर पॉलीहेड्रल हेड रहेगा. ये पॉलीहेड्रल हेड क्या है बच्चों, इसमें इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रोटीन की कवरिंग है, कैप्सोमर यूनिट्स की फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, आई बात समझ में. तो देखो ये प्रोटीन की कवरिंग है, ये पॉलीहेड्रल हेड होगा, पॉलीहेड्रल हेड रीजन, पॉलीहेड्रल हेड रीजन, ठीक है. इसकी जो विड्थ है लगभग 650 एंगस्ट्रॉम होगी और इसका जो लेंथ है हेड की, सिर्फ हेड की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 950 एंगस्ट्रॉम, 950 एंगस्ट्रॉम. इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक कॉलर रीजन मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके कॉलर रीजन मिलेगा और ये ऐसे टेल वाला रीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. कुछ ऐसे, ठीक है, ये हेड पोलर हेड रीजन, सॉरी इसके अंदर आपको पॉलीहेड्रल हेड मिलेगा, नेक रीजन मिलेगा और एक इलोंगेटेड टेल रीजन मिलेगा. ये जो है यहां से इसका नेक रीजन हो गया, नेक विद कॉलर हेड, नेक विद कॉलर हेड, और इसके साथ साथ ही टेल रीजन यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है. टेल रीजन में इंटरनली आपको जो है ये टेल रीजन हो गई, और टेल रीजन के चारों तरफ क्या है, ये शीथ है, टेल कवर्ड विद कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ प्रेजेंट होती है, समझ में आया, ठीक है. और इसके जो बेस पे आपको एक हेक्सागोनल बेस प्लेट मिलेगी दैट इज 200 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, ठीक है ना, यहां पे आपको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग मिलेगी, ठीक है. ये क्या है, दिस वन इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल बेस प्लेट, ठीक है. कितनी विड्थ होती है, लगभग 200 एंगस्ट्रॉम विड्थ होती है, ठीक है. और यहीं से आपको क्या मिलेंगे, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, फाइबर्स की फॉर्म. ये हेक्सागोनल बेस प्लेट में यहां से मिटा देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे. कुछ इस तरीके से, ये लगा लीजिए मूवमेंट के लिए, सॉरी मूवमेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि मोटाइल पार्ट कुछ भी नहीं होता इसमें, सिर्फ ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स होती हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से जब ये अटैच होंगे तो हम इन टेल फाइबर्स, ये बैक्टीरिया इन टेल फाइबर्स का यूज करेंगे. ये क्या है, टेल फाइबर्स है, आई बात समझ में, ये टेल फाइबर्स ऐसे. टोटल कितने होते हैं, 6, ठीक है, दीज आर टेल फाइबर्स, 6 इन नंबर, हेल्प दी वायरस टू अटैच विद द बैक्टीरिया, ठीक है. इसके ये हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल प्लेट हो गई, बेस प्लेट हो गई, ठीक है. और ये जो आपको पिन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इनको बोलते हैं टेल फिन. क्या बोलोगे,
टेल फिन। यहाँ से लेके यहाँ तक की भी विड्थ क्या होती है 950 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल आप 950 × 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वन इज डायग्राम ऑफ, दिस वन इज डायग्राम ऑफ, ये 6 नंबर आप लिख लो, T4 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्यों कहा? क्योंकि ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। आई थिंक डायग्राम सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसको एनसीईआरटी से देखते हैं, आपके एनसीईआरटी ने इसको किस तरीके से शो किया है, वहां आपको और अच्छे से डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसको वहां पे पढ़ने से पहले देखो बच्चों, अभी अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है वो चीजें आप याद रखना, ठीक है, कि हेलिकल टेल होती है, आई बात समझ में। इसके साथ साथ पॉलीहेड्रल हेड होता है, हेड के अंदर यहाँ अंदर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखना जेनेटिक मटेरियल इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये चीज ध्यान रखना जो पेपर में पूछी जाती है कि बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया है, एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि चीजें आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज बच्चों रिप्रोडक्शन इन वायरसेस, रिप्रोडक्शन इन वायरसेस, ठीक है, वायरस में रिप्रोडक्शन। तो देखो वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन बच्चों हमने आपको जब बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल समझाया था, वहां पे भी मैंने करवाया था लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, है ना। हम ये वही चीज यहाँ पे अगेन देखेंगे। तो देखो बच्चों बेसिकली यहाँ पे आपको दो साइकिल दिखाई देंगे, दो तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो होता है फैगिक साइकिल, ठीक है, और एक होता है पिनोसिटिक साइकिल। एक तो आप पढ़ोगे फैगिक साइकिल, फैगिक साइकिल, हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना सब कुछ नहीं दिया है, पर थोड़ा सा डिटेल हमें लेना पड़ेगा। पिनोसिटिक साइकिल, देखो फैगो वर्ड, फैग का फैगोसाइटोसिस से फैगिक वर्ड आया, ठीक है ना। आप सभी पढ़ चुके हो कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एंगल्फिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर जाना क्या कहलाएगा, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे देखो बेसिकली ओनली जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंटर इनटू द होस्ट बैक्टीरिया, होस्ट सेल, होस्ट सेल में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाएगा, बाकी पार्ट बाहर रह जाएगा, ठीक है, बाकी पार्ट बाहर रह जाएगा। लेकिन पिनोसिटिक्स में क्या होता है कि कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म क्या है, होल वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल। देखो आप सभी को पता है कि वायरस क्या है, वायरस अपना खुद का तो कोई सेल है ही नहीं, ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करने के लिए इसको किसी और की हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प लेता है ये होस्ट सेल की हेल्प लेता है, अब अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, अपने मेंबर इंक्रीज करने के लिए इट हैव टू अटैक ओवर द होस्ट सेल। अब किस तरीके से, एक मेथड तो क्या है कि पूरे बैक्टीरिया में सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल भेज दिया, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी बॉडी बनाने का जितना भी जेनेटिक मेकअप है वो उसके जेनेटिक मटेरियल में ही है। एक बार जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया तो वो अब क्या करेगा, हमारे होस्ट सेल के डीएनए को कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, एक तरीके से बेवकूफ बनाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं, मतलब बैक्टीरियल वाला चीजें नहीं बनानी, आपको ये वाली चीजें बनानी, कुछ इस तरीके का कंट्रोल करेगा। आगे समझाएंगे, 12th क्लास में पूरी साइकिल है, ठीक है, रिट्रोवायरस की एक साइकिल है, वहां हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो एक तो तरीका क्या है कि वो सेल के अंदर एंटर कर जाए, लेकिन सिर्फ जेनेटिक मटेरियल,
ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि वो कम्प्लीटली उस सेल के अंदर एंटर करे। आई बात समझ में? यहाँ पे जनरली जो हम देखते हैं आप HIV, TMV, हर्प्स वायरस, ठीक है, एग्जाम्पल जो यहाँ पे HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो गया, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, हर्प्स वायरस, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। ये कुछ एग्जाम्पल है जो पिनोसाइटिक साइकिल शो कर, बट वी हैव टू स्टडी फेगोसाइटिक साइकिल, हमें फेगोसाइटिक साइकिल पढ़नी है, ठीक है। अब फेगोसाइटिक साइकिल में देखो आपको दो अलग से साइकिल दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे एक तो आप पढ़ोगे लाइटिक साइकिल, ठीक है, एक आप पढ़ोगे लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। समझ में आई बात? नाम कहाँ से आया है? लाइटिक वर्ड, लाइटिक साइकिल जो है आपका कहाँ से आया है? लाइसिस वर्ड से आया है। लाइसिस का मतलब ब्रस्ट कर जाना, लाइसिस का मतलब सेल लाइसिस, जब भी वर्ड सुनो यानी सेल ब्रस्ट कर गया, सेल ब्रस्टिंग को सेल लाइसिस बोला जाता है। तो लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल हम अभी समझाते हैं क्या होता है, हालांकि मैं करवा चुकी हूँ बट आपको फिर भी दोबारा से बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मान लो ये आपका बैक्टीरियम है, ठीक है, ये इसका खुद का जीनोम है, बैक्टीरियल जीनोम है, और ये इसके ऊपर वायरस, वायरस जो है आके अटैच हो गया ऐसे कर, और ये वायरस का डीएनए, ठीक है। अभी ये जैसे ही इसके ऊपर आके अटैच हुआ, इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल यहां से, ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल, ये इसका खुद का जीनोम, ठीक है, ये वायरस यहाँ पे एज इट इज बैठा हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है, और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर दिया। ये जेनेटिक मटेरियल यहां से होता हुआ इसके अंदर आ, बाकी सारी चीजें क्या रह गई, बाहर रह गई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो फेगोसिटिक साइकिल है उसमें बाकी कंटेंट बाहर रह जाता है, ठीक है। इस फेज को आप क्या बोलोगे, इन्फेक्शन, इस फेज को क्या बोलोगे, इन्फेक्शन बोलोगे। अब क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, रेप्लीकेट करेंगे, हमारा जीनोम भी रेप्लीकेट करेगा और होस्ट, ये आपका मतलब कि होस्ट सेल का जीनोम भी रेप्लीकेट करेगा और ये वाला भी रेप्लीकेशन शो करेगा, यानी कि अपनी कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली ये आपका वायरस डीएनए भी स्प्लिट हो गया, ठीक है। इस स्टेप को क्या कहोगे, इस स्टेप को क्या कहेंगे आप, रेप्लीकेशन, ठीक है, रेप्लीकेशन। अब क्या होगा, अब देखो ये क्या करेगा, जो होस्ट का डीएनए है उस होस्ट के डीएनए को गाइड करेगा, ठीक है, उसको उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके उसको गाइडेंस देगा। और अब जो डीएनए है, होस्ट का जो डीएनए है, वो वायरल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। वायरल प्रोटीन का मतलब कुछ इस तरीके से, वो वायरस बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसे वायरस बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। प्रोटीन एग्रीगेट होंगे और पूरा स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अंदर आपको ऐसे वायरस दिखाई देंगे। समझ में आया, जो जीनोम है, ये जीनोम, ये जीनोम क्या है, ये अंडर द गाइडेंस ऑफ वायरल जीनोम ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इनका नंबर इंक्रीज होगा और सेल क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी टू रिलीज आउट अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस। तो खुद होस्ट की सेल जो है किसका काम करना स्टार्ट कर देती है, एक वायरल फैक्ट्री का काम करना स्टार्ट कर देती है, सेल लाइसिस होती है अल्टीमेटली, ठीक है, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस रिलीज आउट फ्रॉम द सेम होस्ट सेल, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लाइटिक साइकिल। समझ में आया? तो लाइटिक साइकिल में कुछ भी नहीं, जस्ट क्या है कि आपका जो वायरल जीनोम है, इट विल टेक द मशीनरी, ओवरटेक द मशीनरी ऑफ होस्ट डीएनए, ठीक है, होस्ट सेल, एंड स्टार्ट टू फॉर्म देयर ओन प्रोटीन कोड।
अलोंग विद देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उनकी पैकेजिंग करेंगे और पैकेजिंग करके उनको रिलीज कर देंगे। आई वो समझ में। नेक्स्ट जो है दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल इज समवट डिफरेंट फ्रॉम लिटिक साइकिल। क्या होगा, जस्ट वही पहला स्टेप सेम है आपका, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप सेम है, यहाँ पे मैं बना नहीं रही हूँ, वही बैक्टीरिया अटैच, सॉरी वायरस अटैच हो जाएगा, ठीक है, और चलो बना ही देते हैं। मान लो ये वायरस, ये वायरस है, ठीक है, वायरस आके अटैच हो गया, ये इसका बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक, वायरस जीनोम इसके अंदर आ चुका है, ये बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वायरस जीनोम इनटू द बैक्टीरियल जीनोम, यहाँ पे ये इस तरीके से वायरल जीनोम के अंदर ही, सॉरी बैक्टीरियल जीनोम के अंदर ही वायरल जीनोम इंटीग्रेट हो जाता है, दैट इज द मेन डिफरेंस, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम, होस्ट सेल जीनोम में क्या है, होस्ट सेल जीनोम के अंदर ये इंटीग्रेट हो जाता है। अब जब होस्ट डिवाइड करेगा, होस्ट अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तो उसके साथ साथ ये भी अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली ये फिशन से करेंगे, बैक्टीरिया है, जनरली बैक्टीरिया होता है, फिशन करेंगे तो ये जेनेटिक मटेरियल इनका रेप्लीकेट हो गया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल रेप्लीकेट हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे क्या बननी शुरू हो जाएगी, सेल्फ यूरो बननी स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएगा। अब जो दो सेल बने हैं, ठीक है, ऐसे कर, इनमें वायरल जीनोम भी है और इनमें बैक्टीरियल जीनोम भी है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ कोई, अब ये क्या कर सकता है, ये इसी साइकिल को वापस से टेक ओवर कर सकता है। टेक ओवर कैसे, कि यहाँ वायरल जीनोम है वो अपने पार्टिकल्स बना रहा है, अपने वायरल जीनोम पार्टिकल बना रहा है, और जो बैक्टीरियल जीनोम है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो जब वायरल जीनोम अपना अपने प्रोटीन्स बनाएगा तो वही सेम इस टाइप के प्रोटीन बनेंगे, तो लाइसोजेनिक साइकिल कई बार जो है लाइटिक साइकिल फॉलो कर जाती है, ठीक है ना। लाइसोजेनिक साइकिल कई बार क्या कर सकती है, लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो कर सकती है, और बाकी इसके कुछ मेंबर, ज्यादा नहीं कुछ मेंबर, और कुछ मेंबर इसके यही साइकिल फॉलो करेंगे, ये फिर से डिवाइड करेगा एक से फिर दो, तो ऐसे करके वायरल जीनोम रेप्लिकेट करता। आई बस समझ में। सो दिस इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ वायरसेस। आई बस समझ में, ठीक है। अब देखो अगर हम वायरसेस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, वायरसेस आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। हालांकि आप पढ़ चुके होंगे कभी, वैसे भी मैंने भी बता दिया है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है, दे आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स, थ्री टाइप्स होती है इनकी, ठीक है। पहला है फाइटोफैगी, बैक्टीरियोफैगी, फाइटोफैगी, फैगिनी, फाइटोफैगिनी, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्लांट वायरस, फाइटोफैगिनी क्या होते हैं आपके, प्लांट वायरस होते हैं। दूसरा जूफैगिनी, ठीक है, ये क्या हो गए, एनिमल वायरस हो गए, ठीक, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। और तीसरे जो होते हैं दैट इज योर बैक्टीरियोफेज, जो आप अभी पढ़कर आए, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं दैट आर योर इन विच अटैक ओवर बैक्टीरिया, अटैक ओवर बैक्टीरिया, कहने का मतलब ये बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ये एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, और ये प्लांट पे अटैक करते हैं, ठीक है। जहां तक बात है इनके डीएनए, इनके जेनेटिक मटेरियल की, ध्यान रखना यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस ही मिलेंगे। याद करो टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, याद आया कुछ, है ना, जो टोबैको मोजेक डिजीज करता है, ठीक है। ऐसे ही जो आपका कॉलीफ्लावर वायरस, मोजेक वायरस, वो भी क्या करता है, कॉलीफ्लावर मोजेक करता है,
तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जहां तक बात है जू फैगी की, जू फैगी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपको आरएनए, इधर आरएनए और डीएनए, या तो सिर्फ आरएनए मिलेगा या सिर्फ डीएनए मिलेगा। अगर आरएनए है तो आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, लेकिन डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, ठीक है। जहां तक बात है बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज में हमेशा आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से कर लेना। एग्जांपल अभी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। एग्जांपल जनरली एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस प्लांट वायरस है, कौन सा वायरस एनिमल वायरस है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि टीएमवी में किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। देन यू हैव टू आंसर टीएमवी क्या है, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको वर्ड आपने याद किया है कि हाँ ये तो क्या होता है, टोबैको प्लांट है। प्लांट आते ही माइंड में आ जाना चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, ऐसे कभी कोई आपसे थ्योरेटिकली नहीं पूछेगा, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टू द पॉइंट याद करना है। और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर, जैसे खासकर आपके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा या तो टीएमवी को लेकर या बैक्टीरियोफेज को लेकर। बैक्टीरियोफेज में भी T4 आपके सिलेबस में है तो आप वो करिए, ठीक है। अब देखो ये तो बात थी, अब कुछ वायरल डिजीज है, जैसे कि एनिमल के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल में जो डिजीज होती है एड्स, एड्स किससे होती है, रिट्रोवायरस से होती है। आगे हम 12th क्लास में फुल डिटेल के साथ पूरा एड्स वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वायरस होता है दैट इज एचआईवी वायरस, ठीक। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, मीजल्स वायरस हो गया, ठीक है, पोलियो मेलाइटिस जिससे होती है। तो बहुत सारी डिजीज है, पोलियो वायरल डिजीज है। सबसे छोटा वायरस पोलियो वायरस होता है, सबसे छोटा वायरस क्या होता है, पोलियो वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, मिजल्स का वायरस हो गया, मंप कॉज करने वाला वायरस, रुबेला कॉज करने वाला वायरस, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज होती है जैसे एड्स, ठीक है, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, ठीक, चिकन पॉक्स, ठीक है, पोलियोमेलाइटिस, पूरा नाम, पोलियो का पूरा नाम पोलियोमेलाइटिस। मंप किसको बोलते हैं, कनफेड को। आपने देखा होगा ना यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत एक्सट्रीम में पेन होता है, लेकिन एक 7 डेज की साइकिल होती है, अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, यहाँ आपके सेलेवरी ग्लैंड है, यहाँ कान के पास, यहाँ पे जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको मंप हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो अपना होस्ट का सेल से बाहर आ जाता है और आपका धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा रुबेला वायरस मीजल्स कॉज करता है। तो बहुत सारी एनिमल डिजीज है। प्लांट डिजीज में आप टोबैको मोजेक डिजीज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर डिजीज, कॉलीफ्लावर मोजेक डिजीज, ठीक, पोटैटो लीफ रॉट डिजीज, बनाना बंची टॉप डिजीज, तो बहुत सारी डिजीज है। अब मैंने आपको नोट्स में लिख दिया है, देख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट वन इज योर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दैट आर सब वायरल एजेंट्स, ठीक है। सब वायरल एजेंट, सब वायरल एजेंट्स का मतलब है तो वायरस, ठीक है, दीज आर वायरस, वायरस तो होते हैं ही, लेकिन दे लैक सम असेंशियल कॉम्पोनेंट्स, असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कुछ असेंशियल कॉम्पोनेंट मिसिंग होते हैं। अब आपको यही याद रखना है कि किसमें क्या मिसिंग है, ठीक है ना, आपको इसी पॉइंट से याद करना है, या फिर आपको याद रखना है कि बेसिकली ये होते क्या है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, ठीक है। जहां तक बात है इसके डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड वाज फ्रॉम टीओ डीनर, ठीक है, किसने की थी, टीओ डीनर ने की, ठीक है।
कब की थी? 1971 के अंदर। ध्यान रखना दीज आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे। आई बात समझ में? क्यों होते हैं सबसे छोटे? देखो आपने बैक्टीरिया पढ़ा है, बैक्टीरिया में आपने माइकोप्लाज्मा पढ़ा है, वहां आपने स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ पढ़ा है, माइकोप्लाज्मा पढ़ा। यहां हम इनको क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छे से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके पेपर में कई बार नीट में एग्जाम में ये रेंडमली पूछी गई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपना जीनोम खुद से रेप्लिकेट करने वाली, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल, ऑर्गेनिज्म नहीं कहोगे यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन में तुम्हें माइकोप्लाज्मा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको माइकोप्लाज्मा कंफ्यूज करने के लिए जरूर देंगे वो लोग, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा, है ना, और आप लोग निशान लगा जाते हो, आप लोग टिक करके आ जाते हो, दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपका एमसीक्यू इज मोर जो है हार्ड, ठीक है। आप सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख दो चल जाता है, कुछ भी इन द सेंस, ऐसा नहीं गाना लिखना है। आई मीन टू से कि सब्जेक्टिव में आप फिर भी थोड़ा बहुत थियोरेटिकली जाके आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो, इधर उधर का थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी जो रहेंगे वो ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते। सब्जेक्टिव फिर भी आसान है, एमसीक्यू थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और आप लोग समझते हैं कि एमसीक्यू इजी है। डिस्कवरी टीओ डिनर ने की थी, नेचर हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल होता है, इसका जो जीनोम है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जो कि सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। आई बात समझ में? लेकिन होगा क्या? आरएनए, ठीक। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि कैप्सिड इज एब्सेंट, प्रोटीन की कोट नहीं होगी, कैप्सिड इज एब्सेंट, अच्छे से कर लेना, यही चीज है जो पूछी जाती है। वायरसेस विदाउट कैप्सिड, वायरसेस विदाउट प्रोटीन कोट, क्या कहोगे? वायरसॉइड्स, ठीक है। ये जो नाम दिया गया ना वायर, ये जो वायरॉइड्स नाम दिया गया, इसमें वायरो वर्ड जो है, सॉरी वायर वर्ड जो आया ये वायरस से आया है, ठीक है। और इयोइड्स वर्ड जो इयोइड VIR तो कहां से आया आपका? वायरस से आया है। और इयोइड्स वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिमिनेटिव, डिमिनेटिव, अब ये आपको पता नहीं होगा, डिमिनेटिव, डिमिनेटिव मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज, ये तो हो गया वायरसॉइड्स के बारे में, सॉरी वायरॉइड्स के बारे में, ठीक है। आप देखो डिजीज जनरली ये कौन सी करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस और आपका क्राइसेंथेमम स्टंट, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ये आपको लिखे हुए मिल जाएंगे कौन कौन से डिजीज करता है, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, मैंने बोल के बता दिया है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं वायरसॉइड्स, ये तो वायरॉइड्स है, अब बात करते हैं वायरसॉइड्स के बारे में, ठीक है। सेकेंड वन इज वायरसॉइड्स, ये क्या है? जैसे मान लो आपका कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, पहले तो डिस्कवरी देख लेते हैं, चलो फिर संभालने क्या है डिस्कवरी, क्योंकि डिस्कवरी पे कई बार क्वेश्चन आया, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी टॉपिक, डिस्कवरी किसने किसकी कैसे की, ठीक है। तो वायरसॉइड की डिस्कवरी रेंडल एटल ने की थी, रेंडल ने की थी, आप पूरा ये याद रखो, एटल तो कोई जरूरत नहीं, रेंडल ने इसकी डिस्कवरी की थी, उसके टीओ डिनर ने की थी, ठीक है ना। और बेसिकली अगर हम बात करें कि वायरसॉइड्स का जो नेचर होता है, तो ये आरएनए वायरस होते हैं इनसाइड कैप्सिड ऑफ अदर लार्जर वायरस, क्या कहा मैंने? आरएनए वायरसेस इनसाइड
कैप्सिड ऑफ अदर लार्जर वायरस। मान लो आपके पास एक वायरस है, ठीक है, एक बड़ा साइज का वायरस है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसका साइज कुछ बड़ा है और बड़े साइज का, ये इसकी प्रोटीन की कोट हो गई, ठीक है, और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसकी प्रोटीन की कोट तो कौन सी है, किसी और की है, प्रोटीन की कोट किसी और की है, लेकिन इसका जीनोम जो है, ठीक है, ये दूसरा जीनोम, ये आपका हेपेटाइटिस डी वायरस हेपेटाइटिस डी वायरस नहीं बोलेंगे, इसको वायरोसॉइड्स बोलेंगे, वायरोसॉइड्स, ठीक है। और इस केस में जो डिजीज होगी ना, वो हेपेटाइटिस डी हो जाएगी, तो हेपेटाइटिस डी वायरस अब बना है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जनरली डिजीज कॉज नहीं करते, ठीक है ना। तो जब किसी और किसी दूसरे बड़े वायरस की प्रोटीन कोट में, कैप्सिड के अंदर कोई छोटे आरएनए वायरस घुस जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वायरोसॉइड्स कहेंगे, छोटे छोटे वायरस जो बड़े बड़े वायरस की कैप्सिड के अंदर होते हैं। आप ऐसे आपको वायरोसॉइड्स छोटा हो गया, वायरस से छोटा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या है, वायरोसॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट वन आर प्रियॉन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कई बार पेपर में आती है, थर्ड वन प्रियॉन, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा जो वायरॉइड्स थे उसमें क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, प्रोटीन कोटेड था, इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी डिजीज को करते हैं, ठीक है ना। तो इनके पहले हम डिस्कवरी देख लेते हैं, डिस्कवरी, ठीक है। जहां तक बात है प्रियॉन की डिस्कवरी की, तो प्रियॉन वर डिस्कवर्ड बाय एल्बर एट एल, ठीक है, एल्पर एट एल, ठीक है ना। अब देखो प्रियॉन होते क्या है, मैंने बताया कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, प्रोटीनेशियस, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं लेकिन डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है। और ये क्या, ये जो प्रोटीन होता है ना, दिस वन इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर काफी हल्का हो गया, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, समझ में आ गया, ठीक है। डिजीज कौन कौन सी करता है, ठीक है ना। अब डिजीज के नाम तो आपको देखो याद करने पड़ेंगे, ये क्या करते हैं, जनरली इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है ना, और डिजीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, इसमें क्या होता है, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है ना, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो बेसिकली इसको हम स्क्रैपी डिजीज इन सॉरी इसको क्या बोलेंगे, बोवाइन स्पॉन्जिफेरम इंसेफेलोपैथी कहेंगे। जनरली ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे कॉज न्यूरल डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड जो है डिजीज करते हैं। एनसीईआरटी ने इसके लिए स्पेसिफिक लाइन भी दी हुई है, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है ना, एक ब्रेन से रिलेटेड डिजीज ये कॉज करते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बोवाइन स्पॉन्जिफेरम इंसेफेलोपैथी हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा फ्लूड जो उसके ब्रेन में क्या कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और काओ क्या है, मैड बिहेवियर शो करने लग जाती है, पागलों वाली हरकत करने लग जाती है, ठीक है, हो सकता है वो किसी को किल भी कर दे,
देखा भी होगा आप कहते हो कुछ गाय वगैरह पागल हो जाती है, हालांकि कई बार खाने पीने से भी हो जाता है, बट अगर उसको न्यूरल इन्फेक्शन है, वो ऐसा बिहेवियर शो कर रही है, तो उसको ये डिजीज होने के चांसेस है। ठीक है, मैड काउ डिजीज बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इसके अलावा एक होती है कुरू डिजीज। कुरू डिजीज हम सभी ने सुना है कि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर चीज का ओवर हो जाना हमारे लिए हानिकारक है। ऐसी डिजीज है जिसमें बंदा हंसते हंसते मर ही जाता है, इतना ज्यादा हंसता है कि पर्सन की डेथ हो जाती है इस डिजीज में। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं आप, लाफिंग डेथ डिजीज। कुरू डिजीज इज योर लाफिंग डेथ डिजीज। ठीक है, इसके अलावा एक और है यहाँ पे, एक डिजीज और है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, क्रूसफेल्ड जैकॉब डिजीज। ठीक है, जैकॉब डिजीज कंप्लीट नाम आपको मिल जाएगा आपके नोट। ठीक है ना, क्रूसफेल्ड जैकॉब डिजीज, जनरली जैकॉब डिजीज के नाम से डालते हैं, एफ लगा दिया मैंने, डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जो प्रियोन से होने वाले डिजीज हैं। आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि पेपर में डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन वायरस से हर साल आता है। देखो आपको क्वेश्चन पेपर हम बहुत पहले बता देते हैं, वायरस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। फंजाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन आपके नीट में। ठीक है, कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने आपके 19 लेक्चर्स दे दिए। ठीक है, तो ये तो बात थी वायरस, वायरॉइड्स, प्रियोन्स, वायरसॉइड्स, इनके बारे में। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो था सब सब वायरल है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे आपकी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कोई जगह नहीं दी गई। ठीक है, पहला है लाइकेन, नाम सुना होगा। ठीक है, क्या होती है ये, सिम्बायोटिक म्यूचुअल एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ फंजाई प्लस एलगी। आप बहुत बार पढ़ेंगे, जब तक ट्वेल्थ करेंगे तब तक लाइकेन कई बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइकेन इज फंगस प्लस एलगी, बट ध्यान रखना आपको एक ही ऑर्गेनिज्म में दो, आपको दिखाई नहीं देंगे फंगस अलग एलगी अलग, नहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। ये कुछ इस तरीके से मैश लाइक स्ट्रक्चर होगा फंजाई का, और इसी के बीच में आपकी एलगी कहीं कहीं पे ऐसे अटैच होगी, तो देखने से कंप्लीट एक ही एग्रीगेशन दिखती है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगी। तो ये जो फंगस वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइकोबायोंट पार्ट। क्या बोलोगे, माइकोबायोंट पार्ट। और जो एलगी वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट पार्ट। ठीक है, आई बस समझ में। ठीक है ना, माइकोबायोंट पार्ट इज फंगल पार्ट ऑफ लाइकेन, फाइकोबायोंट पार्ट इज एल्गल पार्ट ऑफ, देखो रटने की जरूरत नहीं है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई एंड फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। फाइको प्लांट, ये इसका कैसा होता है, दिस वन इज योर ग्रीन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक पार्ट। ठीक है, यानी कि ऑटोट्रोफिक पार्ट होता है। ठीक है, और क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंजाई, फंजाई को खाना बना कर देगा। ठीक है, फंजाई को खाना बना कर देगा, और ये क्या होता है, दिस वन इज नॉन ग्रीन, ठीक है, नॉन ग्रीन सेप्रोफिटिक पार्ट होगा। आई बात समझ में, काम क्या होता है इसका, इट इज हिट्रोट्रॉफिक, और काम क्या होता है इसका, इट विल प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम यानी कि जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी अटैच है।
वो चीज जिसपे आपकी लाइकेन लगी हुई है उसको सबस्ट्रेटम, बेस को बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये इनके काम होते हैं, याद रखना आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। पढ़ने को लाइकेन में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो ये एक तरीके से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी हम बोल देते हैं कि एक रहने के लिए घर दे रहा है, खाना दे रहा है, फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, खाना बनाने के लिए ऑब्वियसली फूड की एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ेगी ना, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है सबस्टेटम से अटैच होने के लिए राइजोमॉर्फ वगैरह होते हैं, ठीक है ना। और ये इसको क्या है, खाना बना के दे रही है, ये खाना बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कई बार बोल रहे। लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज दे डज नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। अगर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये ग्रो नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। सो दिस वन इज ऑल, दिस वॉज ऑल अबाउट योर लाइक, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने नोट्स में बहुत एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, आप इतना ही करिए, ठीक है, इतना ही करिए, क्योंकि बहुत सारा है लाइकेन में समझाने के लिए, इतना कहोगे तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। नेक्स्ट इज माइकोराइजा, माइकोराइजा। अच्छा एक बार स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक हो जाती है ये कई बार, हर बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको लेके, हालांकि एग्जैक्ट स्पेलिंग यही है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, माइकोराइजा, ठीक है। ये क्या होता है, फंजाई जो है, ठीक है, वो क्लोज फंजाई अलोंग विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजा के बारे में हम फिर कभी डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये भी एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, ठीक है ना, इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन, दोनों के एक दूसरे से फायदा होता है। जो फंजाई है वो फूड एब्जॉर्ब करके देती है, ठीक है। आगे जब आप 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे जो है ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर का, ठीक है ना, वहां पे हम इसको पूरा डिटेल से समझाएंगे कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप इसको यही टर्मिनेट करिए, आपको बस पता होना चाहिए। आपके प्लांट वाले चैप्टर में भी ये है डिटेल्स, ठीक है ना, क्योंकि हम वहां हायर प्लांट्स पढ़ेंगे तो वहां हो जाएगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है अब बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अब ये चैप्टर अच्छे से याद करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, ठीक है, और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने मेरी तरफ से काफी डिटेल से इस चैप्टर को करवाया है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इन योर डाउट्स। थैंक यू एवरीवन।